हम लोग के यहाँ का तक सब्जी और दाल और चावल मिला था, और यहाँ पे रोटी वोटी बोलते थे और नाश्ता मांगते थे, कहते थे सीधे जाओ को अपने घर से खाओ, आना होता रहो, नहीं तो हम सीधे प्रशासन बुला के बुलवाएंगे। यहाँ पे कौन गांव का मामला है ये? एक खालीगढ़ का है, ग्राम पोस्ट खालीगढ़ टोला जिगनिया। वहाँ अच्छा, तो यहाँ कुल कितने लोग हैं आप? यहाँ पर 16 लोग हैं और ड्यूटी लगाए थे यहाँ पर, ड्यूटी कोई सही से नहीं कर रहा था, और सीधे कहीं हम लोग कोई समय साबुन, यहाँ पर एक लोगों को दो साबुन मिला था हम लोगों के लिए नहाने के लिए, और बोल रहे थे कि जाओ अपने घर से ले आओ नहाने के लिए, हम लोग साबुन मांगे एक एक तो, और सुबह का टाइम हम लोग खाना पीना टाइम पर मिल रहा था, वो भी 11 बजे 11 बजे वो बच जाता रहा था। तो दोपहर तक हम 1 तारीख से अलाउड था कि 14 तारीख तक रहेंगे सभी लोग यहाँ, हम लोग 25 तारीख से आए हैं, 1 तारीख से हम लोगों को बैठाया गया है, अब बाहर से जैसे हम लोग आए थे 25 तारीख को, तो 1 तारीख से हम लोग को बैठाया गया है यहाँ पर, तो हम लोगों को खाने पीने के लिए बहुत समस्या है, जैसे कि नाश्ता वास्ता नहीं मिलता हम लोगों को, और गद्दा रजाई कुछ भी नहीं मिला है, चेक भी नहीं हुआ है, चेक भी नहीं हुआ है कुछ किसी चीज़ का। अभी आप बस सोए बस जाओ, खाना खाना ना ही सही ढंग से मिल रहा है, एक टाइम दाल चावल सब्जी मिल रहा है, एक टाइम सब्जी चावल मिल रहा है, और नाश्ता वास्ता कुछ नहीं मिल रहा है, नहाने के लिए साबुन भी नहीं दे रहे हैं, सैनिटाइजर वगैरह नहीं रखा गया यहाँ, वो भी बोलते हैं कि अपने घर से मंगा लीजिए, जो भी चीज़ आपको समस्या है वो घर से लाइए, मतलब मास्क भी नहीं मिला है, सैनिटाइजर भी हाथ धोने के लिए नहीं है, आप लोगों को ना तो समय से खाना दिया जाता है और ना ही नाश्ता वगैरह दिया जाता है, ये समस्या है आप लोग। 10-11 बज जाता है हम लोग को ना खाना में, और बिस्तर में आप लोगों को सिर्फ सुविधा में चारपाई मिला है हम लोगों को, अच्छा और कुछ नहीं मिला, सब्जी चावल खाने के लिए।